हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे मेरे क्राफ्ट बैग में मोल्डेड क्ले मिला। ये तो आपको पता ही होगा, फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। इससे आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बनाऊंगी, तो चलो देखते हैं आज मैं क्या बनाती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले और सर्कुलर शेप में MDF वुड कट। दोनों क्ले को एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। क्ले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसे हम अच्छे से रोल करके लेंगे। कटर के हेल्प से हम इसके अब छोटे छोटे पीस कर लेंगे। जो हमने छोटे पीस बनाए हैं उसको हम हाथ से एक छोटी सी पेटल का शेप दे देंगे। इसी तरह हम और भी पेटल्स बना लेंगे। अब हम वुड को लेके वुड के ऊपर जो हमने पेटल्स बनाए हैं इसे वन बाय वन हम उसके ऊपर रख लेंगे। पेटल्स को फ्लावर की शेप में लगाना है। इस तरह से हमारा फ्लावर का बेस शेप रेडी हो जाएगा। अब इसके जो पेटल्स है उसे हम अपने हाथों से थोड़ा सा पीछे से मोड़ लेंगे, जिसकी वजह से फ्लावर को एक और भी अच्छा शेप आ जाएगा। पेटल्स को अच्छी तरह से मोड़ने के बाद हम थोड़ा और क्ले लेके उसका एक छोटा सा बॉल बना के फ्लावर के बीच वाले सेंटर में उसे हम पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा और क्ले लेके उसको सर्कल बना के उस फ्लावर के बीच में हम फिर से पेस्ट कर लेंगे। अब एक स्टिक के मदद से हम इसमें छोटे छोटे होल्स बना लेंगे। फ्लावर्स में डिटेल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं कटर का यूज़ कर रही हूँ। कटर से हम फ्लावर्स के पेटल पे लाइंस बना लेंगे। इसी तरह सारे पेटल्स में हम लाइंस बना लेंगे।
अब थोड़ा सा और क्ले लेके उसको हम रोल करके लेंगे। उसके बाद उसको हम जो सर्कल हमने बीच में फिक्स किया है उसके ऊपर हम उसे पेस्ट कर लेंगे। लेक के ऊपर डिटर्स करने के लिए यहाँ पे मैंने फिर से कटर और एक छोटी स्टिक का यूज करके उसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन बना के लिया है। इस तरह से हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। फ्लावर अच्छे से सूखने के बाद उसके ऊपर हम जेसो का एक पतला सा लेयर दे देंगे। उसे सूखने के बाद हम उसे एक्रेलिक कलर से पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने पेंट करने के लिए वाइट और पिंक कलर, ये दोनों कलर का यूज किया है। पेटल्स करने के लिए मैंने सबसे पहले पूरे फ्लावर को व्हाइट कलर से पेंट कर लिया है। अब पेटल्स का जो एंड है वहाँ पे मैं लाइट पिंक कलर से उसे कलर कर रही हूँ। पेटल्स का जो एंड है वहाँ पे हम पिंक कलर का डार्कनेस थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। फ्लावर के बीच वाला जो पोर्शन है इसे कलर करने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लू और वाइट, ये दो कलर मिक्स करके एक लाइटर ब्लू शेड बना के लिए है। इसे हम फ्लैट ब्रश के हेल्प से उसे अप्लाई करेंगे। फ्लावर को अच्छी तरह से सूखने के लिए हम साइड में रख देंगे। फ्लावर को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे हम गोल्डन फॉइल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फेविकॉल लेके फ्लावर का जो मिडल पोर्शन है जहाँ पे हमने होल्स बनाए हैं उसे हम फेविकॉल से अच्छे से कोट कर लेंगे। फेविकॉल को अच्छी तरह से लगाने के लिए आप यहाँ पे फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन फॉइल का छोटा सा टुकड़ा लेके फ्लावर के बीच वाले पोर्शन में हम उसे रख देंगे। उसे अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए हम उसके ऊपर से एक सूखे ब्रश से उसे अच्छे से कवर कर लेंगे। फेविकॉल सूखने के बाद एक्स्ट्रा जो गोल्डन फॉइल है उसे हम ब्रश के हेल्प से निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से सूखने देंगे। इसी तरह से हमारा फ्लावर स्टिक बनके रेडी हो गया है। लेकिन ये सिर्फ फ्लावर नहीं है, ये है फ्रेग्रेंस स्टिक होल्डर जिसे आप पूजा करते समय पे अगरबत्ती लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।